बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन कोरोना को मात देकर अस्पताल से घर आ चुके हैं। 3 सप्ताह से अधिक समय तक मुंबई के नानावटी अस्पताल में रहने के बाद रविवार को उन्हें छुट्टी मिल गई है। बिग बी के अस्पताल से डिस्चार्ज होने की जानकारी उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर दी है। वहीं अमिताभ बच्चन ने भी अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर ट्वीट किया है। अभिषेक बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, शुक्र है कि मेरे पिताजी का हाल ही में हुआ COVID-19 टेस्ट नेगेटिव आया और वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब वह घर पर हैं और आराम कर रहे हैं। आप सभी की प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए धन्यवाद। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मेरा कोविड टेस्ट नेगेटिव रहा, मैं डिस्चार्ज हो चुका हूँ। मैं घर पे ही क्वारंटीन रहूंगा। भगवान का शुक्र है, माँ बाबूजी का आशीर्वाद, मेरे करीबियों, दोस्तों और फैंस की प्रार्थनाएं, साथ ही नानावटी अस्पताल के स्टाफ की अच्छी देखभाल से ये दिन देखने को मिला। बता दें कि अमिताभ बच्चन को बीती 11 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके साथ अभिषेक बच्चन को भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अभिषेक बच्चन को अभी डिस्चार्ज नहीं किया गया है। बताते चले कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 12 जुलाई पूरी बच्चन फैमिली और स्टाफ का टेस्ट कराया गया, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी में कोरोना के लक्षण मिले, लेकिन उनको होम क्वारंटीन कर दिया गया था। 17 जुलाई को तकलीफ बढ़ने पर दोनों को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद 27 जुलाई को ऐश्वर्या और आराध्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। बच्चन फैमिली में सिर्फ जया को कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। वहीं अमिताभ बच्चन के 4 बंगलों को सील कर दिया गया था। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।